हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा, जो हमने लास्ट पीरियड से स्टार्ट किया था, वो आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट पीरियड में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो कंप्लीट किए। इसे जो आज हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, सेंटेंस, वो ट्रू है कि फॉल्स, वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन है 2x-8 ग्रेटर देन 15 इज एन इक्वेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेशन में इक्वल की साइन जो है वो आती है, तो इसमें कहीं पे भी इक्वेशन की साइन नहीं है, सो ये फर्स्ट वन जो है वो रॉन्ग है। फिर है सेकंड वन, एक्स इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x-3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें x की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो 2 रखनी है, तो 5 2 10 और 10 माइनस हम 3 करेंगे तो 7 आंसर आएगा। सो ये सेकंड वन है वो राइट है। फिर यहाँ पे एक्स आवर इज इक्वल टू 60x-मिनट्स, तो इसमें भी राइट आएगा क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होती है। तो यहाँ पे एक्स आवर है तो उसको 60 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भी आंसर आएगा राइट। फिर है फोर्थ वन, इन द इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 20, सो 20 इज वेरिएबल, तो इसमें रॉन्ग आएगा। वेरिएबल मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वेरिएबल मतलब अननोन नंबर, जैसे कि एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो है अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, 20 नहीं, सो इसमें आएगा फोर्थ वन में आएगा रॉन्ग। फिर है फिफ्थ वन, इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2x यूनिट देन इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 8x यूनिट। पेरीमीटर तो यहाँ पे आएगा राइट, क्योंकि पेरीमीटर में 2 4 स्क्वायर है, तो हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेरीमीटर का हमारा क्या होता है 4 by side। तो यहाँ पे 2 4 8 और x का x, तो फिफ्थ में आएगा हमारा ट्रू। फिर है सिक्स्थ वन, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5y and 3y रिस्पेक्टिवली देन इट्स पेरीमीटर इज 8y। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का 2 in the bracket l plus b, तो l plus b करेंगे तो 5 plus 3 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो इसमें आएगा फॉल्स। फिर है सेवन्थ वन, If the side of a square is 6 cm, its perimeter is 36 cm. तो 7 में आएगा फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर के लिए 7 4 28 होते हैं, 36 नहीं। फिर है द इक्वेशंस 2x+1 इज इक्वल टू 3 एंड 6x+2 इज इक्वल टू 8 हैव द सेम सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2x+1 में 2x और यहाँ पे 1 जो है वो प्लस में, ये सेट जाएगा तो माइनस में, तो 2x 3y इज इक्वल टू 3-1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 और x का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ये सेट जाएगा तो डिवाइड, तो 2 2 कट हो जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर हम ऐसा दूसरा इक्वेशन है 6x plus 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 2 प्लस में है, ये साइड जाएगा तो माइनस में, तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6, तो सेम मेथड यहाँ पे भी x और 6 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ये साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा, तो 6 6 को कट करेंगे तो आंसर आएगा 1, सो 8th का आंसर आएगा राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन का आंसर सेम आता है, सो 8th का आंसर आएगा राइट। फिर है द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच साइड इज ऑफ लेंथ m+3 यूनिट इज m+3 मल्टीप्लाई बाय m-3 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि एक साइड है प्लस, एक साइड है माइनस और बीच में है मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा 0, तो ये जो है 9th वन वो रॉन्ग है। फिर है 10th वन,
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ x माइनस 7 सेंटीमीटर इज x इन द ब्रैकेट x माइनस 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है राइट, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें l बाय b करना होता है। तो यहाँ पे है l x और b है x माइनस 7। तो ये है टेंथ वन है राइट। फिर हम इलेवेंथ वन करेंगे। इन द मेस्टिक पैटर्न एल द नंबर ऑफ मेस्टिक इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल। तो इसमें भी आएगा राइट, क्योंकि एक एल बनाने में हमें टू मेस्टिक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जितने एल बनाएंगे उतने उसके बाय हम 2 करेंगे तो आंसर सही आएगा। ये इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15y देन इट्स पेरीमीटर इज 45y। यहाँ पे इक्विलेटरल मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड का माप है 15। इक्विलेटर मतलब वो सारी साइड जो है वो सेम है, 15 सेंटीमीटर की ही है। तो 15y, तो यहाँ पे उसका पैरामीटर मतलब तीनों साइड का हमें प्लस करना है। तो 15 + 15 13 एंड 13 + 15 45। सो ट्वेल्थ वन है वो सही है। अभी हम करेंगे नीचे मैच द फॉलोविंग। यहाँ पे सेक्शन ई, फिर है सेक्शन बी और लास्ट में है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2x + 5 = 3। तो हम यहाँ पे इक्वेशन करते आएंगे 2x + 5 = 3। 2x = 3 - 5। यहाँ पे 5 जो है वो बड़े हैं और 3 छोटे हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और 5 माइनस है, सो यहाँ पे -2। फिर यहाँ पे x - 2 और यहाँ पे डिवीज़न में 2 जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। x = -1। सो इसका आंसर है डी, फर्स्ट वन का आंसर आएगा डी। फिर है सेकंड वन, 2x - 5 = 1। तो यहाँ पे 5 जो है वो माइनस है, इक्वल के ये सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 यानी कि 6। फिर यहाँ पे x = 2 और x का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ये सेट जाएगा तो डिवीज़न, सो x = 3। तो इसका आंसर आएगा ए। तो इसी हिसाब से 2 मैंने आपको सिखाए और 2 आप खुद करेंगे और ये मैच द पेयर जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में इन द इक्वेशन m + 2 = 10 गिव द डिफरेंट वैल्यू टू m एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे m है वहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऊपर उसकी वैल्यू दी गई है वो हमें रख दी आनी है। और हमें कहाँ पे देखना है कि हमें देखना है कि 10 आंसर कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए m + 2 दिया गया है, अभी हमें m की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट वन में रखेंगे 1 + 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। फिर यहाँ पे मेरी लिख रही हूँ फर्स्ट वन का जो आंसर आएगा 3। फिर m + 2 यानी कि हम 2 + 2 करेंगे तो 4। फिर m की वैल्यू 3, तो 3 + 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5। फिर 4 + 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। फिर 5 + 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 7। फिर 6 + 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। 7 + 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 9 एंड लास्ट में जो है 8। तो 8 + 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और इसके ऊपर एक बड़ा सा स्क्वायर बना देंगे तो पता चले कि यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 10 हो रही है। सेम वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे सेम आपको 2x + 1 का सेम वैसे ही करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे 2 और x का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 2 यहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे हम 1 रखेंगे +1, तो 2 × 1 = 2 और 2 + 1 = 3। यहाँ पे हम रखेंगे 2 × 2 = 4 एंड 4 + 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। फिर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 2 × 3 = 6 एंड 6 + 1 = 7, 2 × 4 = 8 एंड 8 + 1 = 9।
फिर है 2 5 10 एंड 10 + 1 11, तो हमें यहाँ पे क्या आंसर चाहिए, 2x + 1 = 11, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया। तो हम यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर कर देंगे और ये बाकी के जो तीन है उसी तरह से कंप्लीट करने हैं। 2 6 = 12 एंड 12 + 1 13, 2 7 = 14 एंड 14 + 1 15 एंड लास्ट वन है 2 8 = 16 एंड 16 + 1 17। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम सेम मेथड से यहाँ पे जो है वो इक्वेशन डन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट वन है 5 9 - 1 = 9, तो यहाँ पे 5 9 को हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे माइनस वन है ये सट जाएगा तो प्लस वन, 9 + 1 = 10, और यहाँ पे n और 5 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है ये सट जाएगा तो डिवीज़न, और 5 2 = 10। तो ये था हमारा फर्स्ट वन सम। सेम वैसे ही अभी हम करेंगे फिफ्थ वन सम। तो 2a / 3 - 1 = 7, तो यहाँ पे 2a - 3 ऐसे ही रहेंगे 7, और यहाँ पे माइनस वन है इक्वल के ये सेट जाएंगे तो प्लस वन, 7 + 1 = 8, और यहाँ पे जो 3 है वो डिवीज़न में है तो ये सेट जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो 2a = 24। यहाँ पे आप इतना याद रखेंगे 2a = 24। फिर यहाँ पे अभी ये जो सम है वो कंटिन्यू है, अभी a और 2 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है ये सेट जाएगा तो डिवीज़न, और a = यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 12 2 = 24, सो a का आंसर आया 12। तो ऐसे ही जो सारे ये इक्वेशन है वो आपको कंप्लीट करने हैं, और नीचे जो एक्टिविटी में मैच द पेयर है वो भी सेम इक्वेशन है, तो ये भी आपको फिलअप करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज ही हमारा अलगेब्रा का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हुआ, और आपको भी पूरा वर्कबुक में कंप्लीट करके इसके आंसर मुझे शाम तक सेंड करने हैं, और मैं भी आपको इसकी आंसर की शाम को सेंड करूँगी, और आपको जहाँ पे डाउट है वो आप सॉल्व करेंगे, और फिर भी पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।